नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिनमें से कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और कुछ राज्यों में चुनाव अभी बाकी हैं। इन्हीं चुनावों को लेकर तमाम चैनलों के पत्रकार और फ्रीलांस पत्रकार या यूट्यूबर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ की स्थिति देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अजीत अंजुम कई महिलाओं से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जो कुछ वहां हुआ उसके बारे में लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अजीत अंकल पिटते पिटते बच गए। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो की शुरुआत कहां से होती है। कुछ महिलाएं पोलिंग बूथ से वोट डालकर बाहर आ रही होती हैं और अजीत अंजुम उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि आप किसे वोट देकर आई, यहाँ किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में महिलाएं शिकायत करती हैं कि अंदर वोट देखा जा रहा है, वो वोट किस कैंडिडेट को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, पोलिंग बूथ में मौजूद कुछ लड़के उन वोटों को देख रहे हैं। तो इस बात की शिकायत महिलाओं ने अजीत अंजुम के साथ में रखी, लेकिन अजीत अंजुम बार बार वही सवाल उनसे दोहरा रहे थे। 2-3 बार महिलाएं इस बात को दोहरा चुकी थी, लेकिन फिर भी अजीत अंजुम ये पूछना चाह रहे थे कि आप किसे वोट देकर आई हैं। दरअसल ये बात है मुरैना जिले, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की दिमनी सीट से, जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसलिए सीट बेहद ही हॉट सीट बन जाती है, क्योंकि जब से नरेंद्र सिंह तोमर को यहां से सीट टिकट दिया गया है तो कयास ऐसे लगाए जाने लगे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आगे बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद जो है वो महिला जवाब नहीं देती है, वो महिला असहज हो जाती है। उसके बाद अजीत अंजुम को 3 महिलाएं और दिखती हैं। अजीत अंजुम उनके पीछे भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंचते हैं और उनसे भी यही सवाल पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, जिस पर महिलाएं असहज होकर जवाब देती हैं कि वो भगवान को पता है कि हमें वोट डालना था, हमने वोट डाल दिया, भगवान को पता है कि यहाँ किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अजीत अंजुम फिर भी वहां से बाज नहीं आते और पीछे से एक अंकल आते हैं जो उन्हें धमकाते हैं कि आप ऐसा मत करिए, जिसके बाद अजीत अंजुम वहां से भाग खड़े होते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो सिर्फ वोटरों से बात कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई तो तमाम तरह के लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, इतना लीचड़ आदमी हरियाणा में किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करता तो ऑन कैमरा कुटाई पक्की थी। एक और यूजर ने लिखा, कुटाई होनी चाहिए थी। एक धर्मेंद्र धर्मदंड नाम के यूजर ने लिखा, यह अजीत अंजुम दिमाग से पैदल है क्या, इसे मतदान की गोपनीयता नहीं पता क्या, ऐसे गधे पत्रकार कैसे बन जाते हैं। कुछ और यूजर ने लिखा कि राजस्थान में अपनी पिटाई करवा ही लेंगे। एक और यूजर ने लिखा, पिटना चाहिए था। एक और यूजर लिखते हैं शरद बिश्नोई नाम के, चलता फिरता बवासीर है चिमटिया। उसके बाद अजीत अंजुम भी ट्विटर पर आते हैं और इस घटना के बारे में लिखते हैं। अजीत अंजुम लिखते हैं, क्या गड़बड़ तरीका है भतीजे, केंद्रीय मंत्री के इलाके में बूथ से निकलती हुई महिलाएं शिकायत कर रही हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीजेपी के कार्यकर्ता ना मुझे रिकॉर्ड करने देना चाहते थे, ना उन महिलाओं को बोलते देना चाहते थे। पूरी भीड़ ने डर का माहौल बना दिया कि महिलाएं बिना पूरी बात कहे चली गई। इसके जवाब में एक यूजर ने लिखा, स्तर गिरा लिया चचा आपने, वैसे आपका हर रिपोर्ट देखते थे लेकिन जरा गड़बड़ तरीका लगा, बाकी स्वतंत्र हैं, लगे रहिए। तो लोग कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम को इस उनकी हरकत के लिए लतार लगा रहे हैं। वैसे आपको जाते जाते बता दूं कि दिमनी जो सीट है वो बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहां से नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और हो सकता है मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां से उन्हें, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसीलिए दिमनी हाई प्रोफाइल सीट है और ज्यादातर सभी का जोर इस सीट पर इसीलिए लगा हुआ है। वैसे आप अजीत अंजुम की इस हरकत पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।